और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही, भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रही स्कॉर्पिन पनडुब्बी से जुड़ा खुफिया जानकारियों का डाटा लीक होने का मामला आ रहा है सामने। ये रक्षा कंपनियों की आपसी लड़ाई का नतीजा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया में सौदे हथियारों में नाकाम रही, जिससे दूसरी कंपनी ने यह डाटा लीक कराया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये लीक भारत से नहीं बल्कि किसी दूसरे देश से हुआ है। गौरतलब है कि स्कॉर्पिन पनडुब्बी से जुड़ा करीब 22,000 पेज का दस्तावेज लीक होने से नौसेना में खलबली मची हुई है। खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बयान दिया कि इस मामले की जांच नेवी चीफ को सौंपी जाएगी। हम आपको बता दें कि भारत की संवेदनशील स्कॉर्पिन पनडुब्बी की लड़ाकू क्षमताओं से जुड़ा दस्तावेजों के लीक होने की जानकारी ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दी है। दरअसल फ्रांस के सहयोग से मुंबई के मझगांव बंदरगाह पर 6 पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं। इन्हें अभी तक नौसेना में शामिल नहीं किया गया है। To identify what is the extent of unwarranted, but it's not all 100% because we do have our final integration and all that. Sir, are they not aware of it? How can this with DCNS that we can invoke? What I understand, because it came to my knowledge at about 12 o'clock yesterday night. What I understand is there is a hacking. So we'll find out all these aspects. बहुत ही secret जो चीज बन रही है भारतीय नेवी के लिए, वो इस प्रकार से लीक हुए, चाहे फ्रांस के तरफ या भारत के छोर पे। मैं समझता हूँ कम से कम समय में सबसे ज्यादा व्यापक, प्रभावशाली और दंड से प्रेरित एक्शन लेना चाहिए। जो वास्तव में अभियुक्त हैं उनको जल्दी जल्दी पकड़कर उनका एग्जाम्पल बनाना आवश्यक है। There should not be a leak of information, but we must find out how this leak has taken place. Has it taken place from the French side? Has it taken place from the contractor side? Has it taken place from the naval side? And what is exactly the extent of the leak?